अस्सलाम वालेकुम, MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं हमजा मंसूर और मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद सरदार अब्दुल कयूम नियाजी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हल्फ उठा लिया। अब्दुल कयूम नियाजी को 33 जबकि मद मुकाबल अपोजिशन के उम्मीदवार चौधरी लतीफ अकबर ने सिर्फ 15 वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साहबजादे और लंदन से लेबर पार्टी के कौंसलर का वालिद की कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा। कहना था कि वादे के मुताबिक उनके वालिद कश्मीरियों के लिए नौकरियों का बंदोबस्त करेंगे। सिंध काबीना में तब्दीलियों का फैसला, सुहेल अनवर सियाल, इस्माइल राहू, निशार खोड़ू और हरी राम कशो ला से वजारत वापस लिए जाने का इम्कान। मंजूर वसान, जाम खान शोरू, रियाज शेराजी और साजिद जोखियों को काबीना में शामिल किया जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। टिकटों की कीमत 750 से लेकर 2500 रुपए मुकर्रर कर दी गई। एक शनाख्ती कार्ड पर 6 टिकटें खरीदी जा सकती हैं। कश्मीर प्रीमियर लीग 6 अगस्त से मुजफ्फराबाद में शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उमर अकमल को क्लब क्रिकेट खेलने की इजाज़त मिल गई। PCB का कहना है कि अगले माह रिहैब प्रोग्राम खत्म होने के बाद उमर अकमल कौमी क्रिकेट टीम में हिस्सा ले सकेंगे। और दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, मुल्क भर में 14 अगस्त मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। समुद्री में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ने लकड़ी से बना मीनार पाकिस्तान का मॉडल तैयार कर लिया।